नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में, आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 21 जुलाई 2024, दिन है रविवार और आज है गुरु पूर्णिमा, पूर्णमासी है। और गुरु पूर्णमासी है यानी कि जो भी हमारे अब तक गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, तो उनको समर्पित है ये दिन। और वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी थी, ऋषि सप्तऋषि जो हैं उनमें से एक पाराशर ऋषि, उनके पुत्र हैं वेद व्यास जी, तो उन्होंने महाभारत लिखी थी, तो उनका जन्मदिन भी है और उन्हीं के उस पर ये जो है समर्पित है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णमासी। तो हमारे जितने भी गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, तो उनको समर्पित भी है ये दिन। और जो है जो भी अपने गुरु के समीप हैं या जैसे आपके शहर में रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, तो आप जो है उनसे जाके मिलिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। जो भी आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं, बड़े जो भी आपसे हैं, उनसे चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उन्हें कुछ जो है मीठा खिलाइएगा और इस दिन को मनाइए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। गुरु सबसे पहले है ना, सबसे पहले सबसे बड़ी हमारी गुरु हमारी माता होती हैं, तो वो और फिर हमारे गुरु शिक्षक जिनसे भी हमने कोई सीखा है, जिन्होंने भी हमें सिखाया है, पढ़ाई करी है, वो सब गुरु, तो उनको समर्पित देना है। तो आज जो है उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। तो गुरु पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आप सबको, सब परिवार। तो चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने सब्सक्राइब किया और आपका अपना चैनल है अभिवानी। पहले से जो खेल रहे हैं वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। जो नए आए हैं, आप सबको बताता हूँ कि दैनिक भास्कर के कई नए सारे क्विज आते हैं, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, समय समय पर अलग अलग क्विज लाता रहता है। तो ये जो है एक साप्ताहिक क्विज है, वीकली क्विज, सप्ताह में केवल एक दिन आता है। इस QR कोड को आप स्कैन करके भी खेल सकते हैं। ये पहली बार ऐसा आया है QR कोड का सिस्टम, नहीं तो ये आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आपको कोई बैल नहीं करनी है, कोई मिस कॉल नहीं करनी है, बल्कि सेव कर लेना है दैनिक भास्कर फैमिली क्विज नाम से। उसके बाद जो है आपको व्हाट्सएप पे जाना है, कैपिटल में क्विज लिख के भेजना है, वहीं पर आपको एक मैसेज आएगा, उसमें लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करके आप रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, जहां पर आपको 5 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस के साथ में दिखाई देंगे। इसमें मिलेगा क्या, हमको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो कि आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाता है। तो आज जो है क्विज 87 है, 87, पिछली बार हमने 86 खेला था। उसके विजेताओं के नाम सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जिसका पूरे सप्ताह प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं। पहले वाले का ऑप्शन डी लाल लाजपत राय, दूसरे वाले का ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, तीसरे वाले का भी सी विनोबा भावे, चौथे वाले का डी लेबर पार्टी, पाँचवें वाले का सी कमलेश्वरी। यही मैंने पाँचों आपको बताए थे और करेक्ट आंसर्स देके लकी ड्रॉ सिस्टम से जो 10 भाग्यशाली विजेता चुने गए हैं, हजारों लाखों जिन्हें खेलते हैं उनमें से जो चुने जाते हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से, उनमें पहला नाम है अंजू राणा, 67045, ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, अशोक कुमार जैन, 43836, 43836, दीक्षा कुगनानी, 81175, 811, 75, ईशान मित्तल, 23133, 23133, ललित सिन्हा, 36762, 36762, प्रिया टसेरा, 91410, 91410, रमेश कुमार कन्नौजिया, 43318, 433818, रेवती बाई, 52131, 52131, उमेश प्रजापति, 99475, 99475, और विद्या गोदारा जी हैं 91148, 911148। तो ये हैं 10 भाग्यशाली विजेता पिछले सप्ताह के। और यदि किसी कारण से इनको गिफ्ट वाउचर नहीं मिला है, तो ये जो है आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर जिस नंबर से खेले थे, और यानी कि आज की तारीख, क्योंकि आज जो है विजेता का नाम आया है, तो तारीख के साथ में जो है किस ईमेल आईडी rasrang@dbcorporation.in पर आपको मेल कर देना है, तो आपके व्हाट्सएप पे जो है कूपन कोड आपको मिल जाएगा। ये जो है 5 प्रश्न हैं आज के।
मैं आपको वहीं पर ही खेल के दिखा देता हूँ मेन, जहाँ से हम सबमिट करते हैं और बधाई मैसेज हमको मिलता है। तो ये रहा होम पेज जहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके रिडायरेक्ट होके पहुँच जाते हैं और आपको इस तरीके का होम पेज दिखाई देता है। तो यहाँ आपको जो है अपनी डिटेल्स भरनी होती है, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, उम्र में जो भी आपकी आयु आधार कार्ड पर हो वो भरिएगा, राज्य चुनेंगे, राज्य के अनुसार जो राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट आ जाएगी जो कि आप यहाँ से चुन सकते हैं एरो पर क्लिक करके। तो आज का पहला प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जिसके तट पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। ए मंदाकिनी, बी गोदावरी, सी गंगा या डी सतलज। तो सभी नदियों को मेरा प्रणाम नमन। और यहाँ बात हो रही है केदारनाथ मंदिर की, केदारनाथ मंदिर जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है। कल से जो है श्रावण सोमवार भी प्रारंभ हो रहे हैं, श्रावण मास, महादेव का ही मंदिर है ये मंदाकिनी नदी। और यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर ये जो है अलकनंदा नदी जो है उनसे भी मिलती हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। तो ये रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर जो है ना वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल है उसका रुद्रप्रयाग जिला है। उत्तराखंड राज्य गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल और रुद्रप्रयाग जिला, तो वहाँ पर यह है और मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो इसका जो है ऑप्शन ए होगा। अलकनंदा नदी को भी ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ये उनसे जुड़ जाती हैं रुद्रप्रयाग में ही। दूसरा है कि भारत की पहली रंगीन फिल्म निम्न में से कौन सी है। ए राजा हरिश्चंद, बी किसान कन्या, सी सीता विवाह, डी सती सुलोचना। तो राजा हरिश्चंद जो हैं वो श्री राम जी के पूर्वज हैं और सीता जी राम जी की पत्नी जी हैं, और इसमें होगा यहाँ पर आप ये भी याद करिएगा क्योंकि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं वीडियो बनाता हूँ आपके जीके की अच्छी तैयारी के लिए, जो कि आपकी गवर्नमेंट है एग्ज़ाम की हेल्प में भी तैयारी करेगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी जो भी कर रहे हैं और केबीसी आने वाला है तो उसमें भी आप जाके जो है लखपति करोड़पति बन सकते हैं, 12 अगस्त से आ रहा है। तो पहली फिल्म की बात पूछी जाए तो वो थी ऑप्शन ए जो है राजा हरिश्चंद, ये 1913 में आई थी और एक जो अवार्ड का नाम सुना होगा आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये जो है उन्होंने बनाई थी 1913 की। और पहली कलर्ड मूवी रंगीन पिक्चर वो बनाई थी मोती गिडवानी ने, 1937 की है ये किसान कन्या। तो यहाँ पर बात हो रही है पहली रंगीन फिल्म तो वो होगी किसान कन्या, ये केबीसी में भी प्रश्न आ चुका है पहले। तीसरा है कि चंद्रमा की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था गुरु पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी की रात्रि जो है वो कल थी, तो चंद्रदेव से जुड़ा हुआ दिन होता है पूर्णमासी का और उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। ए 1 सेकंड, बी 2 सेकंड, सी 1.3 सेकंड या डी 5 सेकंड। तो चंद्रमा की रोशनी को धरती तक आने में यानी कि चंद्रदेव के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है केवल और केवल 1.3 सेकंड, 1 सेकंड होता है ना उसमें 1.3। और यदि प्रश्न में आपसे पूछा जाता कि सूर्यदेव की प्रकाश को, सूर्यदेव की रोशनी को, आज रविवार है तो सूर्यदेव का दिवस है, ये भास्कर को जो है सूर्यदेव का ही एक नाम है भास्कर, तो उनके नाम पर ही ये क्विज होता है इसलिए रविवार को आता है। तो सूर्यदेव की पूछी जाए कि उनकी रोशनी को, उनके प्रकाश को, तो वो लगता है 18 मिनट और 16.16 सेकेंड, 8 मिनट 16.16 सेकेंड। तो इनके प्रकाश को 1.3 और उनको 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो इस तरीके से जो है याद करिएगा, डिटेल में पढ़ा करिए तो आपको जो है कोई भी कोई जो बहुत इजी लगेगा। ये है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथोलॉजी, उसका प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद जी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। ए तारा, बी वीणा, सी बांसुरी, बांसुरी से श्री कृष्ण जी का है, डी सितार, वीणा वादनी माँ जो देवी सरस्वती है उनका वीणा है इसलिए वीणा वादनी कहा जाता है, साथ ही जो है देवी सरस्वती के पास सितार भी होता है, तो याद रखिएगा वीणा सितार दोनों होता है, वीणा वादनी भी कहा जाता है इसलिए वीणा भी होती है उनके पास। और यहाँ पर नारद जी की बात हो रही है तो उनके पास जो आपने देखा होगा हर धारावाहिक नाटक जो भी आता है पौराणिक जो भी धर्म से जुड़ा हुआ नाटक है डिवोशनल वाला, उसमें नारद जी अवश्य होते हैं, उनमें उनके हाथ में वीणा होती है, तो इसलिए इसका होगा ऑप्शन बी वीणा।
पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का कि निम्न से किस शहर को डायमंड सिटी यानी कि हीरो का शहर के नाम से जाना जाता है। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, डायमंड सिटी के नाम से सूरत को, और दिल्ली या इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी है ना, और मुंबई जो है जिसको माया नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बात हो रही है डायमंड सिटी की, तो इसलिए इसका होगा ऑप्शन बी सूरत। एक बार टैली कर लेते हैं क्योंकि सबमिट करने के बाद चेंजेस नहीं हो सकते। पहले वाले का ए है मंदाकिनी, दूसरे वाले का बी किसान कन्या, तीसरे वाले का सी 1.3 सेकेंड, चौथे वाले का बी वीणा, पांचवें वाले का भी बी है ऑप्शन सूरत। अब जो है मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि बधाई मैसेज मिल गया तो हम मीन्स करेक्ट बताए हैं, नहीं मिला तो मीन्स हमारे रॉन्ग है। सबमिट पर टच कर दिया है मैंने और देखते हैं मिला नहीं मिला। हाँ मिल गया, बधाई मैसेज, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट आंसर बताए हैं, तभी ये बधाई मैसेज मिलता है। क्विज में ये अच्छा लगता है, हाथ क्या टैली हो जाता है कि हमारे करेक्ट हैं या नहीं है। और क्विज की टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, 12 बजे तक लाइव रहती है आज दोपहर में, तो 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक आपको खेल लेना है। जल्दी लेट मैटर नहीं करता है, जो क्विज की टाइम होती है उसके अंदर हमको खेल लेना होता है, जिससे हम जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएं। तो ये थी बात आज 21 जुलाई 2024 दिन रविवार के दैनिक भास्कर फैमिली क्विज की। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ, आपकी जीके और बड़ी होगी, और क्विज के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे जिनसे भी आपकी जीके भी अच्छी होगी, आप कई सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सपरिवार अपने गुरु देव गुरु जी जो भी हैं आपके शिक्षक, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, जो कि आपके शहर में रहते हैं, उनको मीठा खिला के चना स्पर्श करके, और जो है अपना मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, और नहीं जीत रहे कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए, डेली खेलिए, कभी ना कभी अवश्य जीतेंगे। तो खेलते रहिए, जीते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक के शर्मा, आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ दिन।